अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज आप सभी के लिए कुदरत के कैसा अजीबोगरीब वाकया लेकर आई हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी हो जाता है तो ऐसे वक्त में उसकी अदा को इस तरह पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने ही जाहिर कर देता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो चुका हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि किसी गाँव के अंदर एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा परहेजगार थी। यानी किसी भी हालत में वो नमाज को नहीं छोड़ती थी और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुजूल हो रहा था और दूसरी तरफ इसकी आखिरी आखिरत संवर रही थी। आपको बता दें कि लड़की जब जवान हो गई तो ऐसे वक्त में माँ बाप ने फैसला करके इसका रिश्ता लगाया और रिश्ते के बाद शादी की डेट फिक्स हो गई। आखिर वो दिन आ ही गया कि जिस दिन इस लड़की को विदाई लेनी थी। आप सभी को बता दूँ कि बराती जो थे वो घर आने ही वाले थे। इधर ये जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। और हम सभी जानते हैं कि चाहे किसी भी हालत में हो, आप कितने भी ज़्यादा परेशानी हो आपको, लेकिन आपको हर हाल में नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है। नमाज को छोड़ने वाला कभी माफ़ नहीं किया जाएगा और फिर क़यामत में पहला जो सवाल होगा वो नमाज के हवाले से ही होगा। तो ये जो लड़की थी वो बड़ी ही परहेजगार थी, हर वक्त अल्लाह के हमद व सना में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। यानी जो लड़की थी वो दुल्हन बन के बैठी हुई थी, ऐसे वक्त में इसने मेकअप वगैरह सब कर रखा था और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ फौरन ही ये अपनी अम्मी को जाकर कहने लगी कि नमाज का वक्त हो चुका है, ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन इसकी जो माँ थी वो ये बात कहने लगी कि बारात जो है वो कुछ ही देर में आने वाली है, ऐसे वक्त में अगर तू नमाज की अदायगी करोगी तो तुम्हारा जो मेकअप है वो उतर जाएगा और जो ये तुम्हारी खूबसूरती नज़र आ रही है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी नमाज की अदायगी ना करो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो तो अल्लाह की बंदी थी, वो ये बात कहने लगी कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे उन बारातियों की परवाह नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे अल्लाह को मुँह दिखाना है और मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूँ या ना बनूँ। ऐसा ना हो कि मैं अपना मेकअप ख़राब ना करने की वजह से नमाज से दूर हो जाऊँ और अल्लाह की नाराज़गी ले लूँ, इससे बेहतर है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूँ। ये बात सुनने के बाद माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़िद्द करने लगी कि बेटा ऐसा मत करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी भी हद तक राज़ी नहीं हुई और कहने लगी कि माँ अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को मुँह दिखाना है, ना कि बारातियों को मुँह दिखाना है। जो किस्मत में मंजूर होगा, जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होकर रहेगा, इसीलिए मैं तो हर हाल में अल्लाह की हमद व सना को बयां करूंगी और नमाज़ें अदा करने के लिए जाऊंगी। आप सबको बता दूं कि उस दिन उसकी माँ जो थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। और दूसरी तरफ ये जो लड़की थी जो अल्लाह वाली थी, जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी, वो फ़ौरन ही वज़ू करने के लिए गुसलखाना पहुँच गई और वहाँ जाकर वज़ू बनाने लगी। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक दुल्हन को संवरने में बहुत वक्त लगता है और ऐसे वक्त में ये जो लड़की थी इसने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसने इस चीज़ की परवाह की कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए वो वज़ू बनाने के लिए चली गई। और इधर इसने वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद ये नमाज की अदायगी करने के लिए चली गई। आप सभी को बता दूँ कि अभी इसने नमाज की अदायगी करनी शुरू ही की थी, जैसे ही सजदे में गई फ़ौरन ही इसकी जो रूह थी वो कब्ज़ हो गई। यानी इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इस लड़की को अता की। यानी सोची कि अगर अल्लाह को इसकी छोटी सी भी अदा पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो फिर मेरे प्यारे दोस्त, जब मौत आनी होगी तो एक लम्हा ना ज़्यादा मिलेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। आप सोचिए इस चीज़ को कि इस दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सजदे में सर झुका लिया और बस यही अदा थी जो अल्लाह को पसंद आ गई और फ़ौरन ही अल्लाह ने इसे अपने पास बुला लिया। जब बाराती आ गए तो ऐसे वक्त में माँ बाप जो थे वो घर में गए अपनी बेटी को लाने
बनाने के लिए, लेकिन वो क्या देखते हैं कि मेरी जो बेटी है वो तो सजदे की हालत में अल्लाह को राजी करते हुए दुनिया ही फानी से रुखसत हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को ऐसी मौत अता करे। लेकिन सोचिए जो इसको कि हमारी क्या हालत है, यानी जब हम नमाजें ही नहीं पढ़ती तो हमें नमाज सजदे की हालत में कैसे मौत आएगी। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात बता रही हूँ, इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सोचिए इस चीज़ को कि अगर वो अपनी माँ की बात मान लेती और वैसे भी मौत तो उसको आनी ही थी, ऐसे वक्त में वो मेकअप की हालत में दुनिया फानी को छोड़कर चली जाए तो अल्लाह के पास जाकर कितनी नाराज़गी लेती वो। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपने बंदी को और सजदे की हालत में उठाना चाहता था। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम उस लड़की के ऊपर देखने को मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, ये जो वाक्य मैंने आपको सुनाया है ये इबरत के तौर पर सुनाया है। मुझे नहीं मालूम कि ये वाक्य सच्चा है या झूठा है, लेकिन कई जगह पर इस वाक्य को मैंने सुना तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। इस वाक्य को सिर्फ और सिर्फ आप इबरत के तौर पर लें, और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपको यह अजीब और गरीब वाक्य पसंद आया होगा। अगर सच में वाक्य पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।